Hi guys, this is me Nikhil, live from the Mumbai Esports Championship at Koram Mall Thane, and with me is our very own Mr. Ghatak, sorry TSM Entity Ghatak, now with the new acquisition coming in from TSM Entity, both collaborating. How have things been of late? अभी तो मतलब ये एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत पहले से थे कि भाई हमें किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है. एनडीटी भी हमारे लिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमें जब मतलब टीएसएम ने मुझे आके पहले फर्स्ट अप्रोच किया था, एट द सेम टाइम मैं डायरेक्टली उनसे कुछ बात नहीं की, मैं हमारे ओनर्स के पास गया क्योंकि एक टाइम था जब हमें किसी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया था, तब एनडीटी ने हमें सपोर्ट किया था, तो उनके साथ उन्होंने बात की और कोलैब किया. ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि एक इंडियन ऑर्ग है, बाहर के ऑर्ग से मुझे पर्सनली खेलना नहीं था, हाँ पर्सनली नहीं खेलना था, तो एक कोलैब करके तो मतलब इंडिया में ही रहेगा जो भी आएगा वो चीज़ है. सो ये एक अलग पर्सपेक्टिव जो आपने बोला है कि एनटीटी और टीएसएम जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन मानी जाने वाली एनटीटी, उनका जो कोलैबोरेशन हुआ है वो काफ़ी एक बड़े स्केल पर हुआ है. हाँ, एंड वो ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है. हाँ, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पहले अभी फनेटिक ने एक्वायर किया था जो ओएस और इनकी टीम थी उनको. हाँ, हाँ. तो उनके तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ नहीं पाई थी इनिशियली. हाँ, और बाद में वो जो है वो टॉप वन या फाइव के फिनिशेस में आ रहे थे. लेकिन मैं एनटीटी से ये जानना चाहता हूँ कि एनटीटी ने जैसे पीएमसीओ और बाकी सारे टूर्नामेंट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया, तो वो टाइम पे और ये टाइम में क्या फ़र्क है और आपकी स्ट्रैटेजीज में क्या फ़र्क है? स्ट्रैटेजीज जैसे कि सबको पता है कि हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे, कुछ भी हो जाए होता है, मतलब लाइक फैंस के एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा सा प्रेशर, ये सारी चीज़ें होती है. अभी इंटरनेशनल और को कोलैब किया है तो थोड़ा सा रहता है दिल में, बट मतलब जो मेरे बंदे जो कॉन्फिडेंस बहुत है तो इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाले टाइम में, तो वो ज़्यादा प्रेशर लेते नहीं किसी चीज़ का. तो मैंने भी उनको बोल रखा है कि भाई जो होगा अपना नेचुरल देना है, नेचुरल तुम्हारा जो बेस्ट रहेगा वही देना है अपने को. तो बस हम देख सकते हैं कि बाकी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑरेंज रॉक, जैसे हाइड्रा, जैसे बाकी के सारे टीम्स है. हाँ, उनके पास सारे एक ही एज ग्रुप के प्लेयर्स हैं. हाँ, और यहाँ पे एनटीटी में हम देख सकते हैं कि घातक जो है वो उनके साथ 16-18 साल के बच्चे हैं. हाँ एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत एक अलग ही पर्सपेक्टिव आ जाता है बीच में. हाँ, तो ये पर्सपेक्टिव के साथ आप कैसे डील करते हो? आर यू लाइक एन मेंटोर टू देम और आप उन्हें दोस्त की तरह रखते हो या फिर कैसा होता है? दोस्त मेंटोर मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, जब ज़रूरत जैसी पड़ती है उसके हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि कुछ वक्त मैं उनके साथ दोस्त की तरह रहता हूँ, कुछ वक्त उनको मैं मेंटर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत होती है, मतलब कुछ चीज़ें अगर सिखानी है, कुछ चीज़ें उनको बतानी है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, हर टाइम पे अलग अलग मतलब थोड़ा सा रहना पड़ता है जी. तो आपका ये पूरे इवेंट को लेकर जो आप यहाँ पर आए हो हमारे लिए, उस इवेंट के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? क्योंकि ये जो हम देख सकते हैं कि पबजी टूर्नामेंट जो होती है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर होती है और काफ़ी बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये पहली बार जो है फीमेल्स के लिए पबजी हो रहा है. एग्जैक्टली, यही एक चीज़ है, मतलब जीतू भाई ने मुझे मतलब कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग लैन ऑर्गेनाइज कर रहे तो आएगा क्या? मैं बोला आप सिर्फ बुलाओ क्योंकि ये पबजी फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, आज तक का सबसे पहला लैन है इंडिया का, तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है लड़कियों के लिए. मतलब लड़कियां भी ऑब्वियसली बहुत सारी खेलती है, मतलब रेशियो पकड़ के चलेंगे अब तो 85 to 15 तो अभी बढ़ेगी, मतलब जैसे अभी लैन होंगे स्लोली तो और लड़कियां खेलना चालू कर देगी. जो आज के प्रिपरेशन है वो देख के आपको क्या कहना? वही मतलब मैं अभी आके बोला, मुझे लगा एक नॉर्मल लैन होगा कि आपने अपने डिवाइसेस खोलो, अपना इंटरनेट यूज़ करो, बट जो आपने मतलब ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया मतलब बहुत बढ़िया, मतलब हैट्स ऑफ टू योर मैनेजमेंट जीतू भाई एंड योर मैनेजमेंट राइट जी. तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि फ्यूचर में लेकर टीएसएम एंटिटी जो अभी एक्वायर हुआ है और जो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हुआ है उससे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. हाँ, और आपके रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. हाँ, तो क्या हम ये सपना देख पाएंगे जो हमने हमेशा से देखा है कि एक इंडियन टीम वर्ल्ड चैम्पियन होते हुए? यही साल होगा वो सपना पूरा. ओके, तो विच टूर्नामेंट आप ऐसे टारगेट कर रहे हो? हम लोग दो टूर्नामेंट हैं, एक वर्ल्ड लीग है और एक पीएल है जो चाइना में होती है जी. तो वहाँ पे डोमिनेट करना है जाके, वो जीते या ना जीते बट वहाँ पे डोमिनेट करना है, बट वर्ल्ड लीग इस बार लेके जाएंगे हम लोग. अच्छा, तो उसी नोट पे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इंडियन सर्किट में से आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन है? नहीं, मैं एक्चुअली कॉम्पिटिशन हमारा खुद से है,
कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम पे। बहुत बार देखिए कि आपके कहीं बार एग्रेसिव गेम प्ले की वजह से आप कभी 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 पे बोलते ना वो पे ऑफ भी करता है और कभी कभी आपको पे बैक भी होता है। एग्जैक्टली वही, तो वही हमारा खुद से कॉम्पिटिशन है। हम किसी भी मतलब आज अभी कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बट हमें हमारी गलतियाँ सुधार के आगे बढ़ना है, बस यही है। बाकी कोई टीम मतलब हमने अगर हमारी गलती सुधरी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन है। और अगर लाइनअप की बात की जाए तो आपके लाइनअप में से आप खुद को और अपने लड़कों को किस बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप गेम प्ले के हिसाब से रेट करोगे? नहीं सारे मेरे लिए सेम है, ये जवाब नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहेगा। नहीं मतलब नहीं कैसा होता है, स्टार प्लेयर की बात नहीं है, टीम में सब हर बंदे का एक अलग रोल होता है, तो मतलब जो किल लेता है वो स्टार प्लेयर, ऐसा नहीं होता है। तो सपोर्ट दो मिनट, सपोर्ट अभी अगर मैं बोलता हूँ कि क्लच गॉड बहुत अच्छा सपोर्ट करता है जी। तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट हुआ, गॉड बहुत अच्छा क्लोज एंट्री करता है, न्यू अच्छा क्लोज एंट्री करता है, जॉनाथन स्प्रे देता है, तो सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो मैं बोल नहीं सकता ना कि कौन अच्छा है। जैसे हम देखते हैं कि एक एक टीम को एक एक टुकड़ा पूरा करता है, वैसे आप बोलना चाहते हो पूरी टीम, टीम के हिसाब से आपने जो रोल सिलेक्ट किया है, जो प्लेयर सिलेक्ट किया है वो परफेक्ट है। एग्जैक्टली नंबर्स अगर मैं ये देखना नहीं चाहूंगा कि ये टीम कहीं तरह से कोई भी रीजन से डिसबैंड हो। इसके लिए जो एक्विजिशन हुआ है जो काफी बड़ा है और जो आपके प्लेयर्स हैं उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो पूरा इंडिया यही चाहेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करे वर्ल्ड लीग और शायद से वर्ल्ड चैंपियन भी हो जाए। ये तो हमारी सबकी तहे दिल से इच्छा रहती है। यस यस, वो तो इस बार मतलब पक्का ट्राई करेंगे, एकदम ट्राई हार्ड, और वो चल रही है बेतैयारी उसी तरफ से। तो तुझ छोटी 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 गलतियाँ थी, मतलब अभी दो महीने पहले टीम बनी तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन को टाइम लगता है, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम्स अगर आप देखते हो वर्ल्ड की तो वो बहुत टाइम से एक साथ खेल रही है, छः महीने। तो अभी हमारी टीम में थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन बेटर है स्लोली स्लोली, तो ये अभी जब लैन खेलेंगे और अच्छा हो जाएगा उनका मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि आपका मैनेजर जो है जो कमल और सिड जो टैलेंट लीड करते हैं, तो उनके बारे में और फिर एंटिटी के ओनर्स के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, और उनके सपोर्ट के या फिर उनके कोई बिहेवियर के पैटर्न से आपको कोई खास फर्क नहीं? अगर सिड और कमलजीत पाजी की आप बात करते हो तो वो जब रहते हैं हम किसी भी लाइन में जाए या फिर कहीं पर भी जाए तो एक पॉजिटिवनेस रहता है टीम में, एक मोटिवेशन मोटिवेट करते रहते हैं वो कंटिन्यू। आज तक मैंने कभी उनको देखा नहीं है कि हाँ कभी वो लोग मतलब टीम मायूस है थोड़ी सी तो उन्हें जाके बोलेंगे कि ये करो वो करो, वो एक पॉजिटिव वो मतलब ऑफ द फील्ड चीज़ें लेके जाते हैं, मतलब ये फील्ड की बात है ना, तुम लोग फील्ड पे करो यहाँ पे नहीं, तुम यहाँ पे पॉजिटिव रहो गेम, तुम्हारा गेम में इंप्रूवमेंट मिलेगी, तुम अगर यहाँ पे अगर सोचोगे यही चीज़ें फिर से मतलब जो चीज़ें हो गई है तो इशू हो गया मतलब आगे जाके और भी। तो बोले कि थोड़ा सा मतलब उनका वो जब रहते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं और वो जब लैन पे आते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा ही निकलता है, मतलब दे आर लकी चांस फॉर अस, सो दे आर काइंड ऑफ अ लकी चांस। यस एंड बहुत ही अच्छी बातें सुनने मिली है मुझे आज। तो ऑन दैट नोट घातक, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इंडिया ही डोमिनेट करो, एशिया भी डोमिनेट करो और एक दिन जरूर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी डोमिनेट करो। यस पक्का 100% होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।